ये देखे, ये हवेली से भैंसे और गाय वगैरह खेतों में आ रही हैं हमारे, तो यहाँ पर ये शाम तक रहेंगी, तो शाम को वापस हवेली में ले जाकर तो इनका दूध दोया जाएगा। ये तकरीबन 40 के करीब हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, भैंसे साहीवाल नस्ल की, नीली रावी नस्ल की हैं, जो दूध देने में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा गाय के साथ इसके बछड़े भी हैं, जो ये ईद करीब आ गई है तो उन्हें अब इंशाल्लाह सेल किया जाएगा। ये सारे खेत हैं जहाँ पर ये सारा दिन अब ये खेतों में जो है वो घास वगैरह खाएंगे, ज्वार, और फिर साथ ही एक तालाब है वहाँ पर ये काफ़ी देर तक नहाती रहती हैं। इनके पीछे एक वक्त में दो लोग होते हैं ताकि वो इन्हें संभाल सकें और दूसरे लोगों की फसल वगैरह ख़राब ना हो। ये अब तालाब में नहाने जा रही हैं, काफ़ी देर ये तालाब में बैठी रहेंगी। ये अब तालाब से निकलकर तो ये खेत है, ज्वार यहाँ पर काश्त की गई थी चारा के तौर पर, तो ये यहाँ से इन्हें काट कर तो हवेली में ले जाकर नहीं डाला गया, बल्कि इन्हें यहाँ पर ही इस ज्वार के खेतों में ही इन्हें लेकर आए हैं ताकि ये यहाँ पर ही घास वगैरह खाएं, ज्वार खाएं, ठीक है। और यहाँ पर ही ये तकरीबन 3 से 4 बजे तक रहेंगी और फिर इन्हें जो है यहाँ से वापस हवेली ले जाया जाएगा। ये इस तरफ गाय हैं, ये हमारे पास 4 गाय हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा और ठंडा है, हवा चल रही है, बारिश का भी अम्कान है। अब ये वापस हवेली में जाएंगे, सारा दिन यहाँ पर घास और ज्वार वगैरह खाने के बाद तो वहाँ पर इनका दूध दोया जाएगा। ये जाते हुए भैंसे दोबारा